नमस्कार। याद होगा कि पिछले दो वीडियोस में मैंने लेटर राइटिंग मींस मैं बात कर रहा था डिस्क्रिप्टिव की, हाउ टू राइट पार्ट का। और दो दो पार्ट में मैंने आज जो आपको वीडियोस मिले होंगे उसमें मैंने लेटर के डिफरेंट इंट्रिकेसीज बताए थे। अभी जो मुझे अभी बाकी के आगे चैप्टर्स में डील करने हैं, मींस जब आगे के लेक्चर्स में, वो एक पार्ट है लैंग्वेज का और दूसरा पार्ट इससे राइटिंग का। अब वो जल्दी आपके पास आ जाएगा। अभी आज हम लोग जिस पार्ट की बात कर रहे हैं वो है द लैंग्वेज ऑफ योर रिटन पार्ट। समझो, इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि हमें लिखने का ही प्रेशर होता है कि हम लिख पाए। देखो, मैंने उस दिन एक नॉर्मल उन उन लेक्चर्स में मैंने एक एक चीज कहा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपसे क्या है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, नंबर वन, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि ये तो बेसिक है ना, इतना तो होना ही चाहिए। अगर हम रॉन्ग लिखेंगे तो फिर एग्जामिनर पढ़ेगा कैसे कि इस लड़के को शुद्ध लिखने नहीं आता है अपने मन की बात को, वो लिखने के समय में ग्रामर के एरर्स कर देता है, तो इसको क्वालिफाई करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। पहला रिक्वायरमेंट ये है। लेकिन आप में से काफी सारे लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ यू, अगर वो ग्रामेटिकली शुद्ध लिख लेते हैं तो एक बात समझो कि अब आपके पास एक्सप्रेशन मैटर करता है। एक्सप्रेशन का मतलब कि आपके आपके मन की जो बातें हैं वो जब आप उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो। सी वन थिंग, स्पोकन और रिटन में स्पोकन क्यों बेटर है? बिकॉज ओवर देयर तुम्हारे पास बॉडी लैंग्वेज होता है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा बॉडी शांत नहीं है, मैं हाथ से भी एक्सप्रेस कर रहा हूं, आईज, फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने को कर रहा हूं। तो ये आपके लैंग्वेज को एड करता है। आपने कभी सुना होगा बॉडी लैंग्वेज। आपके पास लैंग्वेज दो तरह की हैं, एक रिटन लैंग्वेज और एक बॉडी लैंग्वेज। मीन्स आप उसको साइन के थ्रू का, साइन का लैंग्वेज आप बोल सकते हो। लेकिन जब आप रिटन में जाते हो तो ये बॉडी लैंग्वेज खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास जो आपके मन की चीजें हैं, जो मन के भीतर में बातें हैं, वो जब आप रिटन पे डालते हो तो क्या वो एग्जैक्टली एक्सप्रेस हो रहा है? दैट इज द नेक्स्ट फेज। और शायद आप एक बात ध्यान रखो कि मार्किंग का अच्छा होना इसी पार्ट पे डिपेंड करता है। ये तो वैसा ही है जैसे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। ग्रेजुएशन की डिग्री होने से क्या हुआ आपके पास? आप सिर्फ परीक्षा देने के एलिजिबल हो गए ना। परीक्षा देने के लिए आप एलिजिबल हो कि आप परीक्षा दे सकते हो, लेकिन पास करोगे क्वालिटी से? सेम वे यहां पे है। अगर आप ग्रामेटिकली शुद्ध लिख रहे हो तो चलो इस ओके, मतलब वैसा ही है जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई है। भाई आप एलिजिबल हो, आपको अब कंसिडरेशन में हम मैं डालूंगा, एग्जामिनर डालेगा। लेकिन इतने सारे लड़के हैं, उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन करना है, तो फिर ये ध्यान रखो कि सिलेक्शन किस बात पे होगी। नेचुरली सिलेक्शन तो एक्सप्रेशन पे होगी। और हमें ये लगता है, जैसे मैं कम्युनिकेट करता हूं बच्चों से, तो उनको अगर वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, तो अगर वो लिख ही रहे हैं तो दे फील देमसेल्स कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूं। नो, आपको अपने राइटिंग को कंटिन्यू करना है एंड आपको खुद का क्रिटिक बनना होगा। बिकॉज अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसे हैं जो आपके रिटन पीस को अप्रिसिएट कर सके, अप्रिसिएट मतलब इवेल्युएट कर सके, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो तुम अपने को पढ़ो और
वो उसको क्या बोलते हैं, इनैमर्ड, अभिभूत मत हो कि तुमने इंग्लिश में लिखा है, तुम उसको एग्जामिनर की तरह चेक करो, बिकॉज तुम्हें पढ़ने की आदत है, तुम कंप्रिहेंशन पढ़ते हो, क्लोजेस पढ़ते हो, तुम इंग्लिश में पढ़ने की आदत तुम्हारे पास है और तुम जानते हो अच्छी राइटिंग क्या होती है, मन के भीतर में पता है, हम भले ही नहीं कर पाए, तो अपने को एक इवेल्युएटर के तौर पे डाल के तुम अपने रिटन पीस को जरूर पढ़ा करो हर अच्छा राइटर लिखने के बाद। क्योंकि लिखने के समय में ना क्या होता है, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज कि जब तुम लिख रहे होते हो तुम्हें उन चीजों का पता नहीं चलता है जो लैप्सेस हुए हैं, जो मिस्टेक्स हुए हैं, नॉर्मली नहीं पता चलता वो फॉर इन इन ईयर्स इफ यू कीप ऑन हैविंग द प्रैक्टिस, तुम सालों तक अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आपके पास वो प्रैक्टिस के बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस वो एक नैक डेवलप होता है। जब आप लिख रहे होते तो पता होता है कि ये सेंटेंस बहुत अच्छा नहीं बना, ये वाले में कहीं ग्रामर की गलती हो गई, वो तुमको पता चल जाता है लिखने के समय में। लेकिन हम चूंकि ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो अभी क्या करना है कि अभी अपने राइटिंग को जरूर पढ़ो और उसको ऐसे नहीं कि मैंने लिखा है बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि क्या होता है ना, एक बात समझना, हर मां को उसका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा लगता है, ध्यान रखना। वैसे ही मैं अगर लिखूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने इतना अच्छा लिखा है कि मतलब एग्जामिनर तो बेहोश हो जाएगा पढ़ के, जबकि हकीकत ऐसी नहीं होती है। तुम ही अगर अपने आप को मेरी राइटिंग है उसको हटा के एक बार पढ़ोगे ना तो तुमको खुद समझ में आएगी, चीजें बदलने की जरूरत महसूस होंगी, आपको ग्रामर के एरर्स दिखाई पड़ेंगे, आप उसको करेक्शन करो, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में तो वन शॉट परफॉर्मेंस करना है, इसीलिए आप प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, एक्सप्रेशन पे। देखो एक चीज, एक्सप्रेशन तुम अभी कहां तक जाना चाहोगे, दैट इज अ क्वेश्चन, या तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी कितने दूर तक जाने की है। तुम एस्पायरिंग ऑथर नहीं हो, यू आर नॉट गोइंग टू राइट अ नोवेल और यू आर नॉट गोइंग टू राइट फॉर एनी न्यूज़पेपर, यू आर अ सिंपल स्टूडेंट हु इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑन अ गिवन टॉपिक, जिससे एक रिक्वायरमेंट होता है कि कोई टॉपिक उसको मिला है उस पर अपने को जो वो चीजें पढ़ा है उसके उस पर अपने को एक्सप्रेस करे। तो अब तुम्हारे पास रीच बहुत क्लियर है कि तुम कहां तक एस्पायर करो। देखो बहुत आसान है मन में ये शौक डेवलप करना कि हम भी एडिटोरियल की तरह लिखें, हम भी किसी राइटर की तरह फ्लुएंट प्रॉपर शब्दों का, क्योंकि मैंने देखा है अपने यहाँ, मतलब जो लड़के फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, अच्छे शब्दों का सिलेक्शन कैसे करें, भाई इतना आसान नहीं है वो, अच्छे शब्दों को किसी जगह पे एकदम मोस्ट बेफिटिंग वर्ड आपको दिमाग में आ जाए ऐसा नहीं है, और इधर स्ट्राइव करना बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम इन योर हैंड, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड लुक एट द एक्सप्रेशन, एंड बाय एक्सप्रेशन आई मीन कि जो मन में बात है वो कैसे वो सीधा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम कभी देखे होगे, महसूस किए होगे कि मन में तुम सोचो तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, सेंटेंसेस भी बनते हैं, लेकिन जब बोलने या लिखने चलो तो पता नहीं वो कितना खराब लिखा जाता है, इतना सिंपलिस्टिक लिखा जाता है कि पता नहीं चलता कि मतलब एकदम डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, लाइक दैट। सो ध्यान रखिएगा कि अपने रीच को समझिए कि कहां तक आपको पहुंचना है। अब देखो इसमें सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने लैंग्वेज को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लैंग्वेज में चेंजेज आप ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। देखो एक चीज, जैसे कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन होता है, आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन में आपके पास दो कंडीशंस होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नेचुरली लिटरेट्स भी दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। अब आपसे ये रिक्वायरमेंट है कि जब आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखो, क्योंकि इससे फॉर्मल राइटिंग है, और
अगर आप फॉर्मल लेटर भी लिख रहे हो, से किसी मैनेजर को, अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के किसी ऑफिसर को, किसी किसी लीडर को, फॉर अ पर्टिकुलर इशू और ड्रॉइंग इज अटेंशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, अगर अगर आप ऐसे इसके लिख रहे हो तो वो फॉर्मल राइटिंग है। वो तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है वो। यहां पे कोई बहुत ज्यादा बार नहीं होता तुम क्या लिख रहे हो। देखो जरा रियलाइज करना अपने अपने बोलने लिखने में, बोलने में पर्टिकुलरली। तुम कभी अपने दोस्तों से, भाई से जो बात करते हो तो यू नेवर, आई डोंट थिंक कि तुम कभी सेंटेंसेस को एकदम फॉर्मली सेटअप करते हो। आई डोंट थिंक सो। कभी बोलना हो, चल रहे हो या मैं जाऊं, लाइक दैट, उसको भी साथ में बोलना, पूछना है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, बोले चल रहे हो या मैं जाऊं। अब अगर कि अगर आप सोचो कि यही बात आपको मैनेजर को बोलना हो, उसको उसको भी आपको साथ में चलना है, और वो आपसे एज वाइज सीनियर है, मतलब ये नहीं है कि वो कोई नौकरी कर रहा तो बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्टेबल है, हाँ, लेकिन कम्युनिकेशन का पार्ट तो या कम्युनिकेशन का एम्बियंस तो फॉर्मल है। अब हम उसको ऐसे नहीं बोल रहे, चल रहे हैं या मैं जाऊं, देखो जरा सुन के कैसा लग रहा है। अभी उनके साथ बात करनी होगी तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे, अगर नहीं तो क्या मैं जा सकता हूं, लाइक दैट। जब देखो सेम चीज, डिलीवरी का मोड बदल गया, बात वही है, सेंटेंसेस बदल गए, डिलीवरी का मोड बदल गया। अब अगर अगर आप सोचो कि वो जो बॉडी लैंग्वेज इत्यादि जो आप अपने रिटन में, सॉरी स्पोकन में बॉडी लैंग्वेज का हेल्प लेते हो, वो अब नहीं है, तो नेचुरली जब फॉर्मल राइटिंग करनी होगी तो तुम्हें चीजों को, तुम्हारे वर्ड्स, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, ये तो फॉर्मल होने ही होंगे। अब सपोज करो कि मुझे, अब जरा देखना है, हमें मुझे लिखना है, इट इज वेरी सैड दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम on social networks like that। एक सेंटेंस मैंने लिया, जरा सोचो तो पढ़ के, एक देखो जो फॉर्मल इनफॉर्मल का जो चेंजेस है ना, वो भीतर से फील करने की है, उसका कोई, उसकी कोई किताब नहीं बनती है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सोच के डेवलप होगा। आप उसी हिसाब से जरा सोचो कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ये आप फॉर्मल सिचुएशन में बोलोगे या इनफॉर्मल, जरा सोच के देखो। नेचुरली आप कहोगे कि ये इनफॉर्मल राइटिंग हो सकता है, मैं अपने से किसी छोटे को बोल सकता हूं, मैं अपने से छोटे को भी बोलना होगा, देख के लग रहा है कि कोई जूनियर है, भाई है, दोस्त का छोटा भाई है, इत्यादि कोई भी हो, उसको मैं बोलूंगा। अगर इसी को तुम्हें फॉर्मल में बोलना होगा, सपोज करो कि अगर प्रिंसिपल तुम्हें अगर एक नोटिस भेजे, सपोज करो, या तुम किसी ऐसे आदमी को दे रहे हो जो, जिससे तुम्हारा कनेक्शन, जिससे तुम्हारा रिलेशन इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है। सपोज करो, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के मैं आपको बोल रहा हूं, लैंग्वेज में क्या आप चेंज करोगे, देखना जरा।